सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर प्रदेश भर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला चलाई जा रही है। सबसे पहले उज्जैन, फिर जबलपुर और अब ग्वालियर में कॉन्क्लेव होगा। 28 अगस्त को ग्वालियर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल का औद्योगिक विकास तेजी से हो। हालांकि दूसरे कॉन्क्लेव की तरह इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल के विकास में जुड़ेगा नया आयाम। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने जगाए अरमान। 28 अगस्त को संभाग में फाइनल प्रोग्राम। ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से ग्वालियर चंबल अंचल के औद्योगिक विकास में नए नए आयाम जुड़ने की उम्मीद है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए अब तक 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर के आने की सहमति मिल चुकी है। इनमें नीदरलैंड, जाम्बिया, कनाडा, कोस्टारिका, ताइवान, टोंगो और घाना देश शामिल हैं। इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की अलग अलग प्रकार के उद्योग के निवेश के काम हमारी सरकार ने मंजूर किए हैं और इसमें अभी ग्वालियर के अंदर 28 तारीख को यहां से जाके वहीं बैठक लेने वाला हूं। ग्वालियर संभाग के अंदर मुरैना, श्योपुर, भिंड, आगे तक के शिवपुरी, गुना और कौन सा स्थान है, अशोकनगर, ये ग्वालियर सहित पूरे संभाग के अंदर जहां जहां भी उद्योग के प्लाट उपलब्ध हैं वहां वहां हमारी सरकार के द्वारा निवेश के नए काम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारे संभाग में जो संभावनाएं हैं शायद किसी और क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हों, केवल औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में नहीं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, कृषि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में, और मुझे विश्वास है कि ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ तेजी से हम सब